दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम इस HTML के 5 के पार्ट में हम देखने वाले हैं कि लिंक टैग आप HTML में किस किस तरीके से किस किस टाइप से यूज़ कर सकते हो, मतलब कि आप मल्टीपल टाइप में, मतलब कि आप बटन के अंदर आप लिंक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, अपने मोबाइल नंबर पर आप लिंक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, इमेज के अंदर लिंक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम सिंपल लिंक टैग जो है वो देखने वाले हैं। यहाँ पर मैं आपको सिंपल लिंक टैग का एग्जांपल लेके समझाने वाला हूँ। तो सिंपली इसका डिफॉल्ट एट्रीब्यूट जो है वो है HREF। हमने इसके पिछले वीडियो में देखा था एट्रीब्यूट, तो भी बता देता हूँ कि एट्रीब्यूट जो है टैग का एक पार्ट है जिसमें आप फंक्शनैलिटी, मतलब फंक्शन कुछ ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर हम HREF का एट्रीब्यूट लेने वाले हैं HREF, और इसके अंदर हम हमारे पेज की जो लिंक है वो ऐड कर देंगे। आप कोई भी लिंक वगैरह ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर मेरा पेज जो है test.html का वो मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पर। तो टेस्ट नहीं, मैं यहाँ पर a.html जो हमने अभी अभी बनाई है a.html का ऐड कर देता हूँ लिंक। तो यहाँ पर HREF के अंदर आपको दे देना है पेज का पाथ। मेरी फाइल इसी फोल्डर में है इसलिए मैं यहाँ पर a.html पाथ ऐसा दे देता हूँ, और यहाँ पर टाइटल दे देता हूँ टेस्ट लिंक, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी जो लिंक है वो आ गई है, और इसे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये दूसरे पेज में हमको रिडायरेक्ट कर देगी। मतलब लिंक टैग का मेन यूज़ यही होता है कि आप एक पेज में से दूसरे पेज में यूज़र को ट्रांसफ़र करने के लिए लिंक टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लिंक टैग पर जैसे ही क्लिक करता हूँ तो मुझे ये लिंक a.html वाली जो फाइल है उसमें ट्रांसफ़र कर देगा। जैसे हमने यहाँ पर पाथ दिया था उसमें मैंने सक्सेस एजा ऐसा मैसेज दिया हुआ है, तो आपको दिखाई देगा ये मैसेज, ठीक है। यहाँ पर जैसे ही क्लिक करता हूँ वो ये .html के पेज में। यहाँ पर इसके अलावा आप किसी भी वेबसाइट की लिंक भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डायरेक्ट, मतलब कि मैं ये लिंक भी डायरेक्ट ऐड कर सकता हूँ। अभी तो मैं लोकल सर्वर पर यूज़ कर रहा हूँ ये a.html फाइल, इसीलिए मैं यहाँ पर डायरेक्ट अगर लिंक दे दूँगा http या https करके तो ये भी वर्क करेगी। तो मैं यहाँ पर जैसे करूँगा तो फिर ये .html वाली फाइल हमें ओपन करके देगी, ठीक है। तो यह था सिंपल एटैक। अब इसको हम यही पेज में रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं तो हमें एक एट्रीब्यूट ऐड करना होगा टारगेट, मतलब कि आप जिस पेज में हैं उसी पेज में आपकी लिंक ओपन होगी। मैं यहाँ पर टारगेट ऐड कर देता हूँ, टारगेट इक्वल टू सेल्फ। सेल्फ का यह मतलब होता है कि आप जिस पेज में हैं उसी पेज में आपका दूसरा पेज ओपन होगा। मैं यहाँ पर सेल्फ का एग्जांपल आपको दिखाता हूँ, मतलब कि अभी आप जिस पेज में हैं उसी पेज में आपकी लिंक ओपन हुई। अब अगर हम नेक्स्ट टैब में, मतलब कि न्यू टैब में, यहाँ पर हम न्यू टैब में अपनी फाइल को ओपन करवाना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर लिखना है टारगेट इक्वल टू अंडरस्कोर सेल्फ की जगह पर अंडरस्कोर ब्लैंक, मतलब कि आपका ये जो पेज है वो न्यू टैब में ओपन होगा। देख रहे हो गाइस आप कि हमारी जो ये वाली टैब है वो हर बार न्यू टैब में ओपन होगा, हर बार, ऐसा नहीं कि एक बार, बट हर बार न्यू टैब में ओपन होगा हमारा पेज अगर हमने ब्लैंक ऐसा एट्रीब्यूट के अंदर लिखा है तो, ठीक है। तो ये था हमारा सिंपल ए टैग। अब गाइस हम देखने वाले हैं इमेज के अंदर आप लिंक को कैसे सेट कर सकते हो वो देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंपली लिंक ली है वो लिंक। अब हमें यहाँ पर हमने जो मैसेज लिखा है टेस्ट लिंक, उसकी जगह हमें ले लेना है एक इमेज टैग, ठीक है। मैं यहाँ पर इमेज टैग जो है वो ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर पाथ दे देता हूँ मेरे फोल्डर में जहाँ पर इमेज पड़ी है, ठीक है, उसका मैं पाथ यहाँ पर सेट कर देता हूँ। मेरे पास img नाम नाम का फोल्डर है, उसके अंदर link.png नाम की इमेज है। तो अब क्या है कि इस इमेज पर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, इस इमेज पर आप, मैं यहाँ पर विथ हाइट भी सेट कर देता हूँ,
मैं यहाँ पर विथ 200 दे देता हूँ एंड हाइट भी 200 दे देता हूँ। हाइट 150 रख देता हूँ अभी। तो हमारी जो ये इमेज है उसमें हमने लिंक टैग सेट किया है। मैं यहाँ इसको जैसे यहाँ पर क्लिक करूँगा तो अभी हमने टारगेट ब्लैंक दिया इसलिए न्यू पेज में ओपन होगा। अगर मैं इसके अलावा किसी और जगह पर क्लिक नहीं कर सकता, आप देख सकते हैं मैं जैसे ही इमेज पर कर्सर ले जा रहा हूँ तो इसका जो कर्सर है वो चेंज हो रहा है, उंगली वाला आ रहा है और इमेज के बाहर रख देता हूँ। मैं इमेज पर क्लिक करूँगा तो आपको दूसरे पेज में रीडायरेक्ट करेगा। अगर मैं यहाँ पर दूसरे एरिया पे क्लिक ही नहीं कर सकता। तो ये था हमारा इमेज टैग, इमेज के अंदर लिंक हमने सेट किए है। आप देख सकते हैं गाइस कि कैसे हमने इमेज के अंदर लिंक को सेट किया हुआ है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पर देखने वाला है कि हम बटन के अंदर कैसे लिंक टैग दे सकते हैं। तो सबसे यहाँ पर हम बटन के अंदर यूज़ करेंगे जावास्क्रिप्ट की ऑन क्लिक मेथड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मैं रख देता हूँ बटन टैग ले लेता हूँ। बटन टैग के अंदर हमें देनी है ऑन क्लिक इवेंट और उसके अंदर हमें किसी भी, अगर जावास्क्रिप्ट में हम किसी भी पेज को रिडायरेक्ट करवाना चाहते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से तो हम यूज़ करते हैं उसमें डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन और इसके अंदर आपको लिंक दे देनी है किसी भी पेज में रिडायरेक्ट करवाना है उसके। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट लोकेशन और इक्वल टू करके सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लिखना है हमें पेज का पाथ, मतलब कि यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a.html और उसके अंदर हम बटन में कुछ नाम वगैरह दे देंगे कि टेस्ट बटन ऐसा। तो हम क्या कहते हैं कि अगर हम इस बटन पर क्लिक करेंगे तो जैसे ही हम दूसरे पेज में रिडायरेक्ट करते थे उसी तरह हमें कर देगी। ये सिंपली हो गई इमेज के अंदर, ये हो गई बटन के अंदर। अब हम देखने वाले हैं कि आप अपने मेल, अगर आप मेल की भी लिंक देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पर br करके सिंपली यहाँ पर ईमेल के अंदर आप कैसे लिंक टैग का यूज़ कर सकते हैं वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हम ए टैग ले लेते हैं और उसके अंदर हम मेल टू, हमें लिखना है मेल टू और कॉलोन करके हमें आपको लिख देना है आपका ईमेल आईडी। मैं यहाँ पर टेस्ट के तौर पे 123@gmail.com ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर ऐसा ले लिया है 123@gmail.com। मैं यहाँ टाइटल में भी लिख देता हूँ 123@gmail.com, ठीक है। तो हमने ये वाली लिंक बनानी। अगर आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो क्या होगा कि आपको अपने ईमेल पर, मतलब कि आप जो भी ईमेल यूज़ करते हैं एप्लीकेशन उस पर आपको रीडायरेक्ट कर देगा वो ईमेल। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ कि कैसे रीडायरेक्ट करता है। मैंने जैसे यहाँ पर क्लिक किया तो आपका जो मेल है वो ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिकली, जैसे यहाँ पर हो गया। और उसमें ईमेल आईडी जो है 123@gmail.com वो लिख के ऑटोमेटिकली टू में आ जाएगा, फ्रॉम में आपको अपना ना डालना है, ठीक है। और टू में उसका ईमेल आईडी। नेक्स्ट वाला जो टैग है जिसमें हम सेट करना चाहते, मतलब अब देखने वाले हम मोबाइल नंबर के अंदर आप कैसे लिंक सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम मैं ले लेता हूँ ए टैग और इसमें क्या करना है, मेल में हमने मेल टू किया था, अब मोबाइल नंबर में हमें टेल कॉलोन करके लिखना है मोबाइल नंबर, ठीक है। मैं यहाँ पर रेंडमली मोबाइल नंबर ले लेता हूँ 123456789 and 0 एंड आफ्टर दे देना है आपको 123456789 0। मैंने यहाँ पर 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर ले लिया, ठीक है। अब जैसे ही आप मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे, आप अपने मोबाइल में ओपन करते हैं तो आपका डायल पैड में इस मोबाइल नंबर के जो डिजिट है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर सिंपली क्लिक करता हूँ, मेरा स्काइप है इसमें इसलिए स्काइप का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो ये था हमारा एग्जाम्पल लिंक का मोबाइल नंबर में कैसे सेट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर फेव आइकॉन कैसे सेट कर सकते हैं वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। अभी मैंने किया हुआ है, मतलब फिर से मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें लेना है एक लिंक टैग
और लिंक टैग के अंदर REL में देना है आपको आइकॉन। एंड आफ्टर HREF में आप जो भी आइकॉन सेट करवाना चाहते हैं, यहाँ पर जो भी आइकॉन सेट करवाना चाहते हैं टाइटल के बाजू में, उसकी आपको इमेज दे देनी है। तो यहाँ पर मेरे इमेज फोल्डर में एक ही इमेज है अभी, लिंक .png वाली, तो मैं वही सेट कर देता हूँ। अब गाइस यहाँ पर देख सकते हैं कि टाइटल के बाजू में एक छोटी सी इमेज जो है वो आपको शायद दिख रही है, ये नहीं दिख रही बट सेट हो गई है। आप इसका टेस्टिंग अपने कंप्यूटर या PC में इजीली देख के कर सकते हैं। तो ये था हमारा लिंक टैग। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।